हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन क्लब में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PhD 368 पदों के बढ़ोतरी और PWD 331 पद के ऐड करने के लिए, राजस्थान जैन पद ऐड के लिए। तो आज राजस्थान के जयपुर में इंजीनियर्स बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि कनिष्ठ अभियंता में पद बढ़ाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें PhD 368 पद और PWD 368 पद के हेड के बारे में यह धरना किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स इस आंदोलन में हिस्सा ले, ताकि आपको ये भर्ती ऐड हो सके। और मतलब जो अभी राजस्थान जेई में जो किनारे पे लड़के हैं वो लग सके, और इससे ये फ़ायदा होगा एक कि जो अभी इंजीनियर्स ये जो इसमें पद हो के आगे निकल जाएंगे, तो वो आगे भर्ती में ये सब लड़के आगे कोशिश नहीं करेंगे, और इसकी जगह नए लड़के इसमें नई भर्ती में आ सके। और ऐसा है नहीं कि ये 368 और 331 पर PWD अगर ऐड कर दिया तो नई भर्तियां नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये 368 पर 331 पर अकेले डिग्री के लिए नहीं है, ये डिप्लोमा के लड़कों के लिए भी है, जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो इनके लिए भी ये फ़ायदा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे डिप्लोमा और डिग्री दोनों के, और जो जयपुर के आसपास हैं लड़के वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा ले, और जो इस दूर है, मतलब जयपुर से बहुत दूर है, जो आ जा नहीं सकते, वो सोशल मीडिया के ज़रिए इस अनिश्चितकालीन धरना में मतलब सहायता करें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, और लड़के आधे बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके कि ये ऐड हो जाए। और इस आंदोलन में भाग लेने से दूसरा ये फ़ायदा है कि इंजीनियर की कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, और कोई भी भर्ती के लिए हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यही सब लड़के इकट्ठे हो जाते तो आगे पंचायत रेट भर्ती और दूसरी जो भर्तियां निकलवानी है उसको पूरा प्रेशर से निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन बन जाएगा एक। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इकट्ठे होंगे तो दूसरी चीज़ों जैसे कि भर्तियाँ निकालने के लिए उनको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कर रखा है तो सब एक साथ इकट्ठे होंगे। और मेरा ये सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन क्लब की तरफ से आपको निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जयपुर में जाए और ये भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही नहीं, दूसरे भी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, जैसे कि स्टडी विद सिविल बॉडी के सर हर्षित भदौरिया सर इसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो जयपुर जाके धरना स्थल पर भी वो भी बैठ रहे हैं, और दूसरे ग्रुपों के लड़के भी इसमें आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती के लिए ऐड के साथ सब लड़के इकट्ठे हों इंजीनियर के, और बहुत ज़्यादा इस भर्ती में आए। पहले भी ये पहुँचाए PhD के 368 के लिए बहुत डिप्लोमा वाले बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हो नहीं सका, क्योंकि उनको ज़्यादा लड़के आ नहीं सके। और पंचायत राज भर्ती के लिए भी जब उपेन्द्र यादव जी ने धरना किया था तब एक दो लड़के आए, जिससे कि उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इसमें जो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे दूसरे के लिए हमें दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जितने सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा जी हजूरी किसी की करनी नहीं पड़ेगी, और हम अपने प्रेशर से ही भर्तियों को निकलवा सकते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये पद ऐड नहीं हो सकते, दूसरी भर्तियों में भी पद ऐड हुए हैं, और ये सोशल मीडिया के ज़रिए भी हैशटैग ट्रेंडिंग करना चाहिए, ये राजस्थान जेईन पद बढ़ाओ, इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमें फर्स्ट नंबर पे लाना है, जिससे कि ट्विटर ट्रेंड होगा, जिससे कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बताएंगे, और बोर्ड को भी इसके बारे में पता चलेगा कि लड़के बहुत दिनों से ये हमें ट्रेंडिंग बहुत टाइम से करवा रहे हैं, और ये ट्रेंडिंग हर बार फर्स्ट नंबर ट्रेंडिंग पे लाते हैं, लेकिन सरकार पे इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लड़के ज़्यादा इकट्ठे होकर ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे इसलिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि अब जयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इकट्ठे हो, जिससे कि ये लड़के बहुत ज़्यादा दिखेंगे तब जाके ये कुछ करेंगे, नहीं तो क्या लड़के कम दिखेंगे तो ये बोर्ड और सरकार कुछ नहीं इन पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते, खाली धरने पे बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, जिससे कि ये प्रेशर उन पर बढ़ सके। और यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे कि ये द आवाज़ वाले
मैं द आवाज़ न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इंजीनियर की आवाज़ उठाई और वो स्टार्टिंग से इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद द आवाज़ के न्यूज़ चैनल वालों को। और आप सबसे निवेदन है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इतने लड़के इकट्ठे हो और आज पूरे राजस्थान में राजस्थान जय हिंद पद बढ़ाओ का ही नारा लगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इकट्ठे होके ज़्यादा से ज़्यादा ये धरना प्रदर्शन में भाग लेना और पूरे राजस्थान को पता चल जाना चाहिए कि आज इंजीनियर क्या कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द आवाज़ न्यूज़ चैनल ने 21/11/2021 को ये न्यूज़ डाली है कि JEE भर्ती 2020 में पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार कल से शुरू करेंगे धरना। कल से शहीद स्मारक पर देंगे धरना। PhD में 368 और PWD में 331 पद जोड़ने की मांग। तो मेरे को एक बार और निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़के धरना प्रदर्शन में